नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इस नवरात्रि माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आ रही हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। वैसे हिंदू धर्म के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। माँ भुवनेश्वरी मंदिर के पंडित डॉक्टर संतोष भार्गव ने बताया कि इस बार शारदीय नवरात्र 8 दिनों की है। इन दिनों व्रत करने, यज्ञ करने और माँ की आराधना करने का विशेष महत्व है। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव आप सभी भक्तजनों को सर्वप्रथम अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं और कल से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्र की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज सर्वप्रथम अमावस्या है। प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति के पितरों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए अपने घर की पितरों के लिए जल अर्पण कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं और आज पितरों की विदाई कर रही है। कल माँ दुर्गा देवी के स्थापना दिवस जो नव दिवसीय उत्सव रहेगा, इस बार चौथ और पंचमी एक साथ हो रही है। तो मित्रों, 8 दिन का इस बार नवरात्रि महोत्सव मनाया जाएगा और आप सभी माँ भगवती से अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु विशेष आराधना और प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं के वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं। पहली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के रूप में माघ के महीने में आती है और दूसरी नवरात्रि चैत्र के महीने में, जिसमें नव संवत्सर प्रारंभ होता है, और तीसरी नवरात्रि जो है आषाढ़ के महीने में, जिसे हम गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाते हैं, और चौथी नवरात्रि जो है शारदीय नवरात्रि होती है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में कुछ विशेष योग बन रहे हैं और इन योगों में अगर माँ भगवती की आराधना पूजा की जाए तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव प्रणाम सबको, जय माता दी, खुश रहें, आनंद। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।